सरोकार। बीएसपी का मंडली सम्मेलन आज लखनऊ में, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसपी का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज होगा। पासी किला चौराहे पर सम्मेलन किया जाएगा, बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। यूपी बीएसपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे से कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू होगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता विमांशु से जुड़ेंगे। विमांशु, सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं 2024 के चुनाव को लेकर, सभी पार्टियां रणनीति बना रही है, वहीं अब बीएसपी भी एक्शन मोड में नजर आ रही है, कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी, मैं भी आपको बता दें, 2024 और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है और आपको बताया कि लगातार दौरे किए जा रहे हैं, तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, पार्टी के अंदर बैठक की जा रही है। और बात करें तो आज बहुजन समाज पार्टी की मंडल स्तरीय बैठक है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बात करें तो लखनऊ मंडल में आज बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। अन्य मंडलों में जो है बसपा के पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में होगी। मगर बात करें लखनऊ राजधानी की, राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की अध्यक्षता बैठक में तमाम जो पार्टी के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनकी अध्यक्षता में होगी। साफ तौर से इस बैठक का अगर देखें तो उद्देश्य है कि 2024 में बसपा को 80 सीटें ले आना। और जैसा कि आपने सुना कि अभी बसपा की सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के दिन मायावती ने कहा कि हम किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और हम स्वतंत्र और आने वाले चुनाव को लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव होने हैं, इसमें हम किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जो है सबजन उचाए सबजन सुखाए का नारा था, उसको वापस लाने के लिए हमें कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी लानी होगी। उसी क्रम में देखिए तो लगातार उस दिन से ही कहा गया था कि बसपा के कहे गए थे कि मंडलीय स्तर की बैठक होगी, विधानसभा स्तर की बैठक, जो उनके नेता है, जो तमाम पदाधिकारी हैं, अलग अलग समय पर स्टेशन है, उनको क्षेत्र में भेज कर और जनाधार पैदा करने का और जो खोई हुई जमीन है उसको वापस पाने का काम किया जाएगा। आप साफ तौर से अगर देखें तो बहुजन समाज पार्टी के पास अगर देखें तो विधानसभा में कहीं ना कहीं देखें तो अब तक का सबसे बेकार प्रदर्शन रहा 2022 से, महज 1 सीटें निकली। वही अगर विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद में 1 सीट है, भीमराव अंबेडकर विधान परिषद के सदस्य है बसपा की तरफ से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बसपा की लिए चुनौती बड़ी है और 2024 और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ये साफ होगा कि कितनी मेहनत रंग लाई और कितना जनता का समर्थन रहा। जी जी विवांशु, जिस तरह से मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी, वहीं जैसा अभी आपने बताया विधान परिषद चुनाव से भी बाहर है, महज नाम भर की सीट है, तो ये बीएसपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? बीएसपी किस तरह से रणनीति बनाएगी जिससे उसे फायदा मिले आने वाले चुनाव में? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि देखे तो जो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ है वो 2012 से लगातार गिरते हुए आया है। अगर बात करें 2019 चुनाव की, लोकसभा चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर में सीटों में बढ़ोतरी हुई, मगर विधानसभा जब चुनाव हुए 2022 के तो बसपा के हाथ कहीं ना कहीं देखे तो महज 1 सीट लगी। तो आमतौर पर जो बसपा के वोटर्स है वो परसेंटेज कहीं ना कहीं देखने को मिला कि लगभग 22% वोट विधानसभा चुनाव में मिले, मगर सीटों की बात करें तो महज 1 सीट के लिए। तो चुनौती बहुत बड़ी है बहुजन समाज पार्टी के लिए और अब बहुजन समाज पार्टी नए फैसला नए समीकरण के तहत चुनाव में आएगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बसपा की सुप्रीम मायावती है वो लगातार अपने पार्टी में जान भरने के लिए और साथ ही अब जो उनका खोया हुआ जमीन था उसको पाने के लिए लगातार कार्यरत है। और देखने की बात यह होगी कि निकाय चुनाव और 2024 के चुनाव में बसपा के हाथ क्या लगता है। जी जी, धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए।
संगठन वेकाथॉन रन फॉर G20 की समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में बैठक हुई। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 21 जनवरी को प्रस्तावित है मैराथन वेकाथॉन रन फॉर G20। खिलाड़ी, स्कूली छात्र छात्राएं से लेकर हर वर्ग के लोग होंगे शामिल। मैराथन वेकाथॉन रन फॉर G20 की समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में बैठक हुई है। 21 जनवरी को प्रस्तावित है मैराथन वेकाथॉन रन फॉर G20। खिलाड़ी, स्कूली छात्र छात्राओं से लेकर हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। मैराथन वेकाथॉन रन फॉर G20 की बैठक संपन्न हुई है। प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बता दें 11 बैठकों का आयोजन लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित होना है। चारों शहरों में रन फॉर G20 का आयोजन आगामी 21 जनवरी 2023 को किया जाएगा। बता दें रन फॉर G20 की समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में बैठक हुई है। मैराथन में स्कूली छात्र व छात्राएं से लेकर हर वर्ग के लोग शिरकत करेंगे। G20 में भारत राष्ट्र की अध्यक्षता में 200 से अधिक बैठकें होंगी। 11 बैठकों का आयोजन लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं ग्रेटर नोएडा में होना प्रस्तावित है। चारों शहरों में रन फॉर G20 का आयोजन आगामी 21 जनवरी 2023 को किया जाएगा। बता दें रन फॉर G20 की समीक्षा बैठक संपन्न हुई है, जिसमें G20 को लेकर तमाम रणनीतियां बनाई गई हैं। प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। मैराथन में स्कूली छात्र व छात्राएं से लेकर हर वर्ग के लोग शिरकत करेंगे। वहीं G20 सम्मेलन में भारत राष्ट्र की अध्यक्षता में 200 से अधिक बैठकें होंगी। 11 बैठकों का आयोजन लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं ग्रेटर नोएडा में होना प्रस्तावित होगा। चारों शहरों में रन फॉर G20 का आयोजन आगामी 21 जनवरी 2023 को किया जाएगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, रन फॉर G20 की समीक्षा बैठक संपन्न हुई है, इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, पूरी जानकारी क्या है? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से G20 का वहां सम्मेलन हो रहा है पूरे भारत में, उसको लेकर के कहीं ना कहीं चार बड़े शहर है, लखनऊ है, आगरा और वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। तो लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा में आगामी तारीख जो है ये होना है, समीक्षा बैठक की है। G20 को लेकर के, उसको लेकर के समीक्षा बैठक की गई। उसमें लखनऊ के जिलाधिकारी गंगवार और मंडलायुक्त और स्थानीय निकाय निदेशक विधानसभा मौजूद है। तो कहीं ना कहीं G20 सम्मेलन को लेकर के जो चार प्रमुख बड़े शहरों में जो सम्मेलन होना है, जो मीटिंग होनी है, उसको लेकर के भव्यता देखी जा रही है। और इसी तरीके से आदेश कर दिया गया है नगर विभाग विभाग के जो प्रमुख सचिव है अमृत अभ्यास की तरफ से, इस शहर को पूरी तरीके से साफ और स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा, उसको लेकर के कहीं कोताही ना बरती जाए। इस तरीके की समीक्षा बैठक की गई है। इसमें कई जिलों के जो चारों जिले हैं, वो चारों जिलों के जिलाधिकारी मौजूद थे, दूरदार गंगवार मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी चीजों को पेश किया कि किस तरीके से लखनऊ को भी साफ सुथरा करने के लिए और मैराथन के लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं कर रहे हैं। रितेश, जो यूपी के चार जिलों में 11 बैठकें होनी है, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए मयूरी, लखनऊ और आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा, ये चार जिले प्रस्तावित है 21 तारीख को जो होना है मैराथन। यहाँ पर ये चारों जिले जो है विभाग को किए गए हैं। प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग के अमृत अभिजात जो है, उन्होंने पंचम तल सभा कक्ष में, निदेशालय के सभा कक्ष में ये बैठक की है और समीक्षा की है कि इन चारों जिलों में किस तरीके से सम्मेलन का लोग जुटेंगे और किस तरीके से कार्य किया जाएगा, उसको समीक्षा कर दी है। फिलहाल सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि साफ सफाई को लेकर, सुरक्षा को लेकर के जो भी दृष्टिकोण है उनको शुद्ध किया जाए, संवारा जाए, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरी तैयारी चल रही है। पूरे भारत में उत्सव का माहौल है और लखनऊ को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इसको लेकर के चारों जिलों प्रस्तावित है, चारों जिलों में बेहतरीन कार्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है।
जी रितेश, ये जो मैराथन का आयोजन किया जाएगा उसमें छात्र छात्राएं हर वर्ग के लोग शामिल होंगे, तो ये कितनी संख्या में शामिल हो रहे हैं लोग? देखिए ये सैकड़ों की संख्या में शामिल हो रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि जो लखनऊ के जिलाधिकारी श्रीपाल गंगवार ने जानकारी दी है, उनके यहाँ वाकथान और मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। वाकथान 5 कालीदास मार्च से जाएगा, इसमें सभी उम्र के प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। स्टेडियम में लगभग 500 खिलाड़ी प्रतिभाग कर सकेंगे। अभी जो जानकारी लखनऊ से आ रही है वो 500 खिलाड़ियों की आ रही है, 500 खिलाड़ी उसमें भाग कर सकेंगे। और वहीं पे मिनी मैराथन का शुभारंभ रेजिडेंसी से होगा या तेजी बाबू स्टेडियम पर समाप्त होगा। इसमें विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है वो मैराथन को लेकर के स्वच्छ बनाने के लिए की जा रही है। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। बैठक रद्द की है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बीजेपी की अहम बैठक होनी थी जो रद्द हो गई है। जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों की बैठक रद्द की गई है। 22 जनवरी को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 22 जनवरी को बैठक होगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक आज होनी थी जो रद्द की गई है। आज बीजेपी में होने वाली बैठक को रद्द की गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष की बैठक रद्द हुई है। 22 जनवरी को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 22 जनवरी को बैठक होगी। अस्पताल भी निभाएंगे G20 सम्मेलन में प्रमुख भूमिका, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। G20 को लेकर अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। लखनऊ आने वालों की सेहत का ख्याल रखा जाएगा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेहत का ख्याल रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग सक्रिय नजर आ रहा है। कार्यक्रम स्थल पर डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ तैनात होंगे। KGMU लोहिया संस्थान SGPGI को अलर्ट किया गया है। अस्पताल भी G20 सम्मेलन में प्रमुख भूमिका निभाएंगे, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। G20 को लेकर अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, G20 को लेकर अस्पतालों को अलर्ट किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? और पूरे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे आगरा, लखनऊ और वाराणसी के लिए ये होने वाला है। उसके बाद ग्लोबल न्यूज़ समिट भी है, तो इसके लिए G20 की तैयारियों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़े संस्थानों जैसे लोहिया, KGMU और SGPGI को अलर्ट पर रखा हुआ है, ताकि अगर कोई भी असुविधा, स्वास्थ्य संबंधी असुविधा अगर होती है तो तुरंत इस पर काबू पाया जा सके, और जो मेहमान आ रहे हैं उनको अगर कोई भी किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़े तो हमारे बड़े संस्थानों के जो वरिष्ठ जो स्पेशलिस्ट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, जितने भी इन संस्थानों के अनुभवी लोग हैं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत, वो उनके काम आ सके और किसी भी तरह की अनहोनी पर भी काबू पाया जा सके। तो रितेश, अभी तक कितनी तैयारियां की कर ली गई हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं अगर अस्पतालों की बात की जाए तो? देखिए SGPGI लोहिया संस्थान और KGMU की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो अस्पताल प्रशासन है वो निर्देश मिलने के बाद पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। हर बड़ी चीज की तैयारी यहाँ पे अस्पताल प्रशासन में की जा रही है, चाहे वो बेड की बात हो, चाहे अलग से बेड भी बनाए जा रहे हैं। और खासतौर पर जो कोविड का सीन है, जैसे कोरोना का क्योंकि विदेशी मेहमान आएंगे यहाँ पे, तो उनकी जो जांच होगी, रैपिड टेस्ट होगी, एंटीजन टेस्ट होगी, अगर से कोई संक्रमित पाया जाता है तो उसके लिए भी खास तैयारियां की गई है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके लिए बेहतर तैयारियां की गई है, उसको वेंटिलेटर की भी जरूरत अगर होती है तो वो भी मुहैया कराया जाएगा। तमाम तरह की चिकित्सीय सुविधाएं की तैयारियां जो है लोहिया, KGMU, SPGI जैसे बड़े संस्थान कर रहे हैं। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए।
अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।